विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां जबा जनपद के ग्राम पंचायत चौखंडी में विकास के नाम पर कुछ नहीं आए। बीच बाजार में कई एक साल से ए तरह के कीचड़ के आलम है कि लोगन का पैदल चलब मुश्किल हो रहा है। वहीं नल जल योजना के माध्यम से घरे घरे पानी की व्यवस्था पूर्ण तरह से असफल ही। भूमिगत पाइप पूर्ण तरह से लीक हो रही है, जिससे पूरा पानी सड़क में बह रहा है। इस संबंध में गांव वाले के द्वारा बतावा गया है कि हम लोग पीएचई विभाग का कई एक बार सूचित की हैं, पर पीएचई विभाग अभी तक कोनो कार्यवाही नहीं की हिसाब। रंजीत केसर वानी, समस्या हमारे बाजार में सबसे ज्यादा है पीसीसी निर्माण करना होना। पिछले 17 बरस से पीसीसी का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण बाजार में भारी दुर्दशा बनी हुई है रोड की। और पीएचई विभाग द्वारा पिछले 6-7 महीने पहले पाइपलाइन डाली गई थी, उसका काम आप देख सकते हैं सामने पड़ा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी लोग गिर चुके हैं और स्कूली छात्रों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। और मौखिक भी और लिखित भी पंचायत कार्यालय चौखंडी को दिया गया है, और ना कि वो सुन रहे हैं, ना कि सरपंच सुन रहे हैं, ना कि सचिव सुन रहे हैं, ना आला अधिकारी सुन रहे हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक के लिए विनेश्वरी प्रसाद गुप्ता से घर से लेकर सुरेंद्र कहां के घर तक की दुर्दशा देख लिया जाए। शासन प्रशासन से मांग ये कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसका निराकरण कराएं और पाइपलाइन सही करवाएं और पीसीसी का निर्माण इसमें करवाएं। विधायक जी से कब निवेदन किया गया था? 15 साल हुआ था कुआं के बारे में। सुनिए, वो आए दिन यही बोलते कि हमने पैसा दे दिया, पैसा दे लेकिन आज तक कुआं को उसका कुछ नहीं हुआ। आए दिन उसमें मवेशी गिरते हैं, कुत्ते गिरते हैं, गाय गिरती हैं, पानी यूज कोई करता नहीं, कोई विकास यहाँ नहीं है। चौखंडी पंचायत में प्रॉपर अपने बाजार में कोई विकास नहीं। 4 महीना से लापता किशोरी के तलाश में पिता दर दर के ठोकर खात रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के पीड़ित बताए इसके बेटी के द्वारा फोन कीन गा रहा है और बतावा गा के वह कस्टमर ही जो ने नंबर से फोन कीन गा रहा वो खर जानकारी पुलिस का दीन गए। पुलिस रायगढ़ पहुंची पर वो बिल्डिंग की तलाशी नहीं ले पाई जहां किशोरी के लोकेशन मिली रही। पीड़ित बताई इसके ओखा शंका ही कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा ओखे बिटिया के अपहरण कीन गा है। वो चाहत है कि आरोपी का पकड़ के कड़ाई से पूछताछ कीन जाए, तब बेटी के पता चल सकत है। बता दें कि यह मामला लौर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गाँव के आए, जहाँ घर से दवा ले के खातिर निकली किशोरी के रास्ता में अपहरण हुई गया, जेखर तलाश के खातिर परिवार परेशान हो रहा है। आई अपना पंचन का सुनाई थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के पीड़ित का फरियाद लगाई सी। क्या शिकायत लेकर आज आप यहाँ? हमारी बच्ची आज चौथा में पसंद नहीं हुआ, रिपेयर कराया गया, ऐसे में हमको पूरा सब आज समय पर तक हमको ये लग रहा है कृष्णा कांत पांडे, अवध बिहारी, राधे पांडे, कृष्णा कांत, इनके ऊपर पूरा शक हो रहा है क्योंकि हमको उठवाने को हमको धमकी दे रहे हैं। अब हमको किसी भी इनके ऊपर पूरा हमें शक है कि हमारी बच्ची को इनके लोगों ने अगवा किए, और फिर 2 बार बच्ची बात भी की। हम गए जो है तो रायगढ़ है, गए तो रायगढ़ बिल्डिंग तक लोकेशन मिला, लोकेशन तक पहुँचे और वहाँ पुलिस ये इतना इंटरेस्ट नहीं रखी। जो 3 मंजिला का बिल्डिंग थी उसे मतलब ढूंढ नहीं पाई, वो तो बिल्डिंग को तलाशी नहीं लेवा पाई और बच्ची के पास पहुंच के बच्ची को हमने पाया नहीं। कौन से थाने की घटना है ये? देवतलौर के थाना है। कब की कब आपकी बच्ची गई थी? बच्ची आज हमारे छठवां महीना है। कितने साल की है? 16 साल। तो क्या पुलिस वाले कार्रवाई नहीं की है? कार्रवाई कुछ नहीं है अब तक, बहुत की है। दो नंबर से सीएम से बात बिटिया की, एक आदित्य कुशवाहा के नाम से निकलती है, एक रीना के नाम से निकलती है। इसको आज तक कोई डिटेल इसका पूरा नहीं निकाल पाए कि कौने गांव का कौन मतलब कि कौने गांव का है, कैसा है। हमको जब जाते हैं थाने में तो ही कहेंगे हम बस तुम्हारी बिटिया 20 दिन में मिल जाएगी। यही करते करते हमें यहाँ चौथा पचवा छठवा महीना चालू हो गया है। अब हमारी एक ही बच्ची थी, हम परेशान हैं और यहाँ पुलिस के पास जाते हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कब पता चला कि आपकी लड़की घर से गायब हो गई है? ये 11 बजे 4 तारीख को दिन इतवार को घर से निकली गोली दवा लेने, और दवा लेने निकली फिर घर से कोई मतलब कहीं गए मोड़ सकता हूँ कहीं पता ही नहीं। अब वही जब बात करी बिटिया तो रायगढ़ में है, हमको पापा मारते हैं और जो है तो लीड हैं, तो हम कहें कि कहाँ है, तो कहें रायगढ़ रेलवे स्टेशन में है। टीआई साहब भी बात किए उससे तो बताएं, तो फिर गाड़ी भेजे परिवार नहीं, पर वहाँ पुलिस जो गई थी तो ना उनसे नेट चलाना बनता था और ना है तो वहाँ कोई लोकेशन मतलब सही से उसको जाँच। यही चाहते हैं कि मतलब हमारी बच्ची मिल जाए। अब वहाँ गए
रायगढ़ में उसको बिल्डिंग को नहीं तलाशी करवाए, नहीं तो बिटिया के लगे जाके बिटिया को पा जाते हैं। आपको क्या नाम है? हमारा नाम रमेश कुमार साहब। क्या करते हैं? हम खेती करते हैं, मजदूरी। लौर के रहने वाले हैं? चौका के, चौका सुंदर। खबर रीवा जिला से ही, जहां एक नशीली कप सिरप बिक्री के वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जेमा खुलेआम महिलाओं के द्वारा गांजा शराब और कोडेक्स बेची जा रही है। क्षेत्र के जागरूक व्यक्ति के द्वारा वीडियो बनाए के वायरल किया है। मामला कौने थाना क्षेत्र के आए या तो स्पष्ट नहीं आए, पर कुछ लोगों के द्वारा बतावा जात लग है कि उक्त वीडियो रायपुर करचुरियान थाना क्षेत्र के उमरी गांव के आए। वहीं कुछ लोगों के द्वारा बतावा जात है कि यह वीडियो मनिगवा थाना क्षेत्र के आए। अब हाल ही में मनिगवा थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल भा रहा, जिमा खुलेआम नशीली गोली बेचत युवक का देखा गया। अपना पंचे देखी पुलिस के द्वारा कार्यवाही न किए जाए के कारण अब क्षेत्र के लोग परेशान हुए के कौन तरह से वीडियो बनाए के वायरल कर रहे हैं। काहे की शिकायत करे पर अपराधी से खतरा बना रहा था। 50 सौ दे, दे 50, जल्दी 50 का 50 दे। मिला आए हो गए कटो से मार बताई। अरे यहीं पे आहे ने यार, तो हुक ले चली यार, वो काम धाम कर रहे हैं। ए खुशु कौन है? कौन चाहिए ना? अरे अब हम कर दूँगे। मेरी इंडा का क्या? सावली। सावली ने। एसी आई एसी रुक जाती है। हाँ तो भाई दे दे। ले बे। हाँ दे दे। ये मैंने बात छोड़ पड़ी थी। ऊपर बस्ता लग गया है। खबर रीवा जिला से ही, जहां ये दिन अपराध बेलगाम हो चुके हैं। अपराधन के बढ़े में पुलिस प्रशासन और राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगन के महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने विरोधीन का फंसावे के खातिर जहां तरह तरह के साजिश की जाती, वहीं बताई दी कि यह मामला रीवा जिला के सगरा थाना क्षेत्र के मनकाहरी की आया, जहां कमला देवी मिश्रा पति प्रकाश नारायण मिश्रा के लगभग 5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किन जा रहा है। पीड़ित कैयक वे पुलिस प्रशासन से शिकायत की, इस पर कौनो सुनवाई नहीं भय। नतीजा यह भा कि विरोधी हरिजन आदिवासी का उकसाए के लगभग 3 एकड़ के और जमीन में झुंगी झोपड़ी बनवाए दीन। आई अपनो पंचन का दिखाई थे वीडियो, फिर सुनाओ कि पीड़ित और प्रशासन के का कहना है यह मामला का लेके। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। क्या शिकायत लेकर आज यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पे? शिकायत लिए लेके आया हूँ कि मेरी पट्टी की अराजी में और अवैधानिक रूप से मुकेश मिश्रा, अरविंद मिश्रा ये मिलके जब पट्टे के अराजी को आबादी घोषित करा के पट्टा दिला रहे हैं, जो कि कृषि की ज़मीन है हमारा, उसमें गेहूँ बोया हुआ है, मसूर बोई हुई है, और आज से नहीं, आज से हम 70-80 साल से उसमें निरंतर खेती कर रहे हैं, और उसको एक मतलब गलत अवैधानिक रूप से पटवारी के माध्यम से और बोल रहे हैं कि हम आबादी घोषित करा के, और जहां तुम्हारा जो कि पहले से आप उनका पट्टा बना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ये मतलब घास पूसा की मड़ैया बना के हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं, और उसी फसल में आग जला के उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और ये इनका 2049 नंबर का भी हमारा खेत है, जो कि हमारा पुराने रिकॉर्ड में हमारे नाम दर्ज है। कहाँ का मामला है ये? ग्राम कुसहा, मनकाही टोला कुसहा का मामला है, थाना सगरा का मामला है। उसकी शिकायत हम थाने में भी की है, माननीय कलेक्टर महोदय की भी की है, SP साहब के यहाँ भी की है, और पटवारी साहब को भी सूचना दिया थे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई रही। आज जन सुनवाई में भी आए हैं और थाना सगरा से पुलिस गई थी, लेकिन उनको उसके बावजूद भी ये गंगा मिश्रा के लड़के अरविंद मिश्रा और मुकेश मिश्रा, ये सरहंग पार्टी है, काफ़ी बड़ा इनका परिवार है, सबका समर्थन मिला हुआ है, बोलते हैं कि तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको, ना पुलिस के ना तहसीलदार मैडम की कुछ कहना मानते हैं, ना तहसीलदार का कहना मानते हैं, ना कलेक्टर माधव का कहना मानते हैं, मारपीट भी हुई है, और हम जान माल की हम सुरक्षा चाहते हैं, हमारी माँ अकेले वहाँ रहती हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, जो कि मजदूर वर्ग हमारे में पूरा निस्तार कर रहे हैं, हमारे में रह रहे हैं,
हम ना उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ना कभी उनको भगाया, ना कभी कुछ किया, लेकिन जानबूझ के ये योजनाबद्ध के तहत ये संगठन कर रहे हैं और उनको भिड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और हमारी फसल नष्ट करा रहे हैं और कांस कुसा के मड़ैया बनवा रहे हैं। इनका निरंतर मतलब स्टे के बावजूद भी ये निरंतर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, शासन से गुहार लगाते हैं कि इसमें न्याय हो और हमारे कृषि की ज़मीन में कोई अवैधानिक रूप से कांस कुसा का मड़ैया ना हो, ना कोई भवन निर्माण हो, कुछ किसी प्रकार का बिना हमको जानकारी सूचित कोई निर्माण ना हो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। और एक दयाशंकर पटवारी के माध्यम से 249 नंबर में हमारे ये गंगा प्रसाद मिश्रा 1966 नंबर के तहत 1966 नंबर भी हमारा है। ये उस पटवारी साहब को पैसा मोटी मोटी रकम दे के और हमारा वो खेत भी अपने नाम दर्ज कराए हैं। उसमें भी दीवानी चल रही है, केस चल रहा है, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेशी बढ़ रही हैं। चुनाव नजदीक आता है जहां सब पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर वोट बैंक का साधे में लगी हैं। वहीं कांग्रेसी चुनाव नजदीक आता है, एक बार फिर संगठन में परिवर्तन करके विरोध की चिंगारी सुलगाए दी नहीं। सूत्रन के मानी तक कांग्रेस रीवा विधानसभा सीट का सबसे ज्यादा तवज्जो दीनजाल लाही और यह कहा जा रहा है कि वर्तमान ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बनाए के रीवा से महापौर अजय मिश्रा बाबा का प्रत्याशी बनावे के रास्ता साफ कर दी। वहीं ग्रामीण अध्यक्ष बनाए जाए के बाद गांव से जुड़े हुए लोगन का पद ना मिले के चलते विरोध के चिंगारी सुलग रही है। हालांकि सौही आए के विरोध प्रदर्शित करे के हिम्मत कोहू में नहीं आए, पर बताई दे के 20 साल से बनवास झेल रही कांग्रेस अब कोनो हालत में गुटबाजी प्रदर्शित नहीं करे चाहती आए। अपना पंचन का सुनाई थे कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण पदाधिकारी का यह बदलाव कले की उनखर का कहना है। माहौल होता है तो उसमें नहीं आका जा सकता कि चुनाव अगर कोई हार गया तो उसका तजुर्बा कम हो गया कि अनुभव कम है कि उन्होंने काम नहीं किया है। दोनों नेताओं ने अच्छा काम किया है, अपनी जिम्मेदारी भगत जी ने भी जिला अध्यक्ष का चार साल में अच्छा निर्वहन किया है, संगठन के प्रति अच्छी जिम्मेदारी निभाई है और सारे कार्यकर्ता और नेता भी प्रभावित हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है। जिला में जिला के अंदर हमारे गुटबाजी नहीं है, आपको ये सबूत मिला है क्योंकि नगरीय चुनाव हुआ रीवा नगर निगम का भी देखा कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के तन मन से लड़ी है और जिसका परिणाम ही हुआ। नहीं तो उसकी एक वजह थी बाबा किसी गुट से नहीं थे, जैसे एक यहाँ पर बार बार आप गुट का नाम ले रहे हैं, कुछ गुट की बात कहलवाना चाहते हैं, लेकिन जिला कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अजय बाबा जी जो है जो चुनाव जीते हैं एक विषम परिस्थिति के बाद 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के छाया के नीचे जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे गजब तहलका। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजन शुक्ला जी को? नहीं, राजन शुक्ला तो हमारे मित्र हैं, शुक्ला जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं मतलब ये चुनाव कहीं ना कहीं उनके भाई जहाँ विधानसभा अध्यक्ष ही हो, जिस जिला में विधानसभा अध्यक्ष हो उसकी छाया मानी जाएगी कि राजन शुक्ला की छाया मानी जाएगी। विधानसभा तो शुक्ला जी की है और उन्हीं के हिसाब से टिकट भी पर शायद विधानसभा शुक्ला जी की है, लेकिन पूरा जिला का जिला में छाया तो विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी की है। अच्छा, जीत हो या हार हो जी, जीत को जीत होगी तो स्पष्ट जो है गौतम जी लेंगे जी, और हार होगी तो दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे। तो मैं ये नहीं कहता, ये उनका मामला है किसके ऊपर सर में फोड़ते हैं ठीकरा और किसको जस देते हैं, अब जैसे अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रीवा जिला के अंदर बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे और सघन प्रचार अभियान घर घर टेहरी टेहरी किया, इसके बावजूद ही कांग्रेस ने एकजुटता दिखा करके कोई गुटबाजी नहीं। क्या ये आगे जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी उस हिसाब से पूरी निष्ठा जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे सहार अध्यक्ष जो मंगू भाई जी आई हैं वो भी बहुत ओजस्वी और कर्मठ नेता के रूप में सामने आए हैं। सहार कांग्रेस के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निर्वहन किया है, उसमें भी वो खड़े उतरे। कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी के अंदर की कोई कमी थी संगठन में बदलाव किया गया, तो बदलाव की एक प्रक्रिया है आपसे कि संगठन में बदलाव हर पार्टियों में क्योंकि संगठन समय समय पर संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि अपने भगत शुक्ला जी काफ़ी दिनों से
जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे और अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया और संगठन को एक मजबूती प्रदान की। लेकिन समय पर बदलाव की आवश्यकता थी, चुनाव सर निकट है और ऐसे समय में संगठन में भी बदलाव की आवश्यकता पार्टी को समझ में आई, क्योंकि चुनाव क्या खड़े नहीं उतर रहे थे? नहीं, खड़े उतर रहे थे, ऐसा नहीं था कि खड़े नहीं उतर रहे थे। पार्टी ने समय सोचा होगा कि ज़्यादा समय होगा, हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ाना हो विधानसभा का चुनाव। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, विंध्य में हम लोग जरूर हार गए थे, लेकिन भगत शुक्ला जी अध्यक्ष थे तो चुनाव में पूरे प्रदेश में याद विंध्य में ज़्यादा हार हुई थी, फरीबा की सीट हार गए थे। लेकिन उसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि भगत शुक्ला जी के ही कारण से हार गए थे, सभी प्रत्याशी कुछ न कुछ भाई कमजोरी थी हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी में सरकार तो बनी थी कांग्रेस की ही ना। आज खातिर इतने, बघेली में विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।